आइए सुनते हैं आज की कहानी जलेबी प्रसाद। वैसे नाम तो था उनका रमेश, मगर लोग उनको ये नाम भूल चुके थे तथा वे अपने अत्यधिक जलेबी प्रेम की वजह से मोहल्ले में जलेबी प्रसाद के नाम से जाने जाते थे। भारत पाकिस्तान का मैच हो या फिर चुनाव के परिणाम हो, जलेबी प्रसाद जी हमेशा ही जीत हार की शर्त लगाया करते थे और वो शर्त होती थी 1 किलो जलेबी की। अब जलेबी प्रसाद जी शर्त जीते या हारे, हम बच्चों को जलेबी मिलती ही थी, वे हम बच्चों के चहेते जो थे। इसी बीच एक हादसा हो गया, मगर इसे तो जलेबी प्रसाद जी खुशखबरी मान रहे थे तथा हम लोगों को जलेबी की पार्टी भी दे चुके थे, किंतु हम तो इससे हादसा ही मान रहे थे। और वो हादसा था, जलेबी प्रसाद जी का विवाह तय हो गया था। बारात लोकल थी, हम सभी तैयार बैठे थे बारात में जाने के लिए। जलेबी प्रसाद जी हम लोगों से पहले ही मिन्नतें कर चुके थे तथा हम लोगों को भरपूर जलेबी खिला चुके थे, इस बात के लिए कि हम लोग बारात में उन्हें आदरणीय भैया कहकर ही संबोधित करेंगे तथा भूलकर भी मुख से जलेबी प्रसाद नहीं कहेंगे। हम लोगों ने भी जलेबी खाकर तथा जलेबी की कस्में खाकर कहा, ठीक है भैया। जलेबी प्रसाद जी, ससुराल में हम लोग आपकी इज्जत का फालूदा नहीं बनने देंगे। बारात नाचते गाते धूम मचाते वधू के घर पहुंची, वीडियो फिल्म बन रही थी, हम लोग भी जलेबी भैया की शादी में खूब नाचे। बारात में नाचने के 2 कारण थे, एक तो शानदार वीडियो फिल्म बन रही थी तथा दूसरे नाचने के बाद जमकर भूख लगे ताकि बारात में खाने का मजा आ जाए। विवाह स्थल शानदार सजा था, सुमधुर संगीतमय वातावरण के बीच वरवधू को जयमाला के लिए मंच पर लाया गया। मंच पर वरवधू एक दूसरे को माला पहना रहे थे, अचानक संदीप के मुंह से निकल पड़ा, जलेबी झुकना नहीं। हमने बात संभाली, क्यों रे तोतले, तुझसे बोलने के लिए किसने कहा था? फिर बात स्पष्ट की, भैया जरा भी झुकना नहीं। जलेबी भैया की त्योरियां मुस्कुराहट में ढली, वे खुशी खुशी और तन गए। वधू ने उन्हें आसानी से माला पहना दी। अब आई माला पहनाने की बारी भैया की। जैसे ही भैया माला पहनाने लगे, माला अचानक उनके हाथ से छिटक कर नीचे गिर गई। उन्हें माला झुककर उठाना पड़ा। दृश्य ऐसा लग रहा था मानो जलेबी भैया भाभी के चरण स्पर्श कर रहे हों। कैमरे ने इस दृश्य को कैद करने में कोई चूक नहीं की। फिर भैया ने वधू को माला पहनाई, शादी संपन्न हो गई, बारात वापस लौट आई। भाभी जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, अचानक उनका तबादला इंदौर हो गया। जलेबी भैया के यहाँ रिवाज था कि पहली बार दुल्हन की विदाई के लिए दामाद को ससुराल जाना पड़ता है। दुल्हन तो विवाह के 10 दिन बाद ही मायके चली गई। 1 माह बीतने के बाद ससुराल से भैया के लिए बुलावा आया, कम से कम 1 सप्ताह के लिए आइए तथा दुल्हन को विदा कर ले जाइए। पत्र पढ़कर भैया चिंतित हो उठे। हम लोगों ने दिलासा दी, भैया हम लोगों को साथ ले चलिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। जलेबी भैया कतराए, ना बाबा ना, तुम्हें ले जाकर हमें अपना मजाक नहीं उड़वाना है। खैर हमने 1 लाख की सलाह यूं ही मुफ्त दी, ससुराल जा रहे हैं आप, शौक से जाइए, मगर ध्यान रखिए वहाँ आपको कम बोलना है तथा कम खाना है। कम बोलने से वे समझेंगे दामाद जी शांत स्वभाव के हैं तथा कम खाने से उन्हें लगेगा दामाद जी पेटू बिल्कुल भी नहीं है। जलेबी प्रसाद जी ससुराल पहुँचे, वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। बैठक में वे विराजमान कराए गए। वहाँ पर बार बार ये आवाजें सुनाई पड़ रही थी, जलेबी जीजाजी को पानी दो, जलेबी जीजाजी को चाय दो, आदि आदि। जलेबी भैया सोच में पड़ गए कि ससुराल वालों को उनके नाम के बारे में कैसे पता चला। मगर जब छोटे साले ने बताया कि उनके घरेलू नौकर का नाम वैसे तो रामू है, मगर प्यार से वे उसे जलेबी कहकर पुकारते हैं, तब जलेबी भैया की जान में जान आई। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जलेबी भैया जल्दी ही साले सालियों से घुल मिल गए तथा मुखारित हो उठे। अब वे दिन में 10-10 बार शर्तें लगाने लगे तथा सारी नसीहतें भूलकर वे जमकर खाने लगे। ज्यादा खाने से उनके कमजोर पेट ने जवाब दे दिया, परिणाम स्वरूप उनका पेट खराब हो गया तथा फिर उन्हें डॉक्टर की सलाह पर कड़वी दवाइयां तथा भोजन में खिचड़ी खाने के निर्देश मिले। 3-4 दिनों में उनकी तबीयत तो सुधर गई, मगर वे थोड़ा कमजोर नजर आ रहे थे। उसी हालत में वे नई दुल्हन को लेकर वापस लौटे। हम लोगों ने जलेबी भैया को छेड़ा, क्यों भैया ससुराल में खातिरदारी अच्छी तरह हुई थी ना, अब जलेबी भैया क्या बोलते।
मगर भाभी से सारी कहानी हम पहले ही सुन चुके थे जब जलेबी भैया बाजार गए थे। हम लोगों ने कहा, भैया अब हम लोग आपको जलेबी प्रसाद कभी नहीं कहेंगे। जलेबी भैया खुश होकर बोले, चलो बच्चों इसी बात पर जलेबी खिलाएं। भरपूर जलेबी खाकर हम बच्चों ने फिर दोहराया, अब हम आपको जलेबी प्रसाद कभी नहीं कहेंगे। जलेबी भैया बोले, ठीक है नहीं कहना, मगर ये बात तुम लोग बार बार दोहरा क्यों रहे हो। हमने मुस्कुराकर कहा, अब हम लोगों ने आपका नया नाम रख लिया है। भैया ने पूछा, और वो नाम क्या है। हमने कहा, आपका नाम है खिचड़ी प्रसाद। इतना कहकर हम लोग भागे और भैया हमारे पीछे दौड़े और खिड़की से भाभी ये दृश्य देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी।